हेलो गाइस, तो मैं खेल रहा था रात को गेम प्ले एज ए रैंक पुश, क्योंकि लास्ट के दो जो वीक्स रहते हैं उनमें आपका भाई रैंक पुश करता है और उसके बाद क्या कहते हैं ओनली अगले सीजन रश खेलता है, और फिर जब 2 वीक्स आती हैं ओनली रैंक पुश करता है। तो अभी आपने बहुत गेम वो देख लिए, TDM, BDM, CDM, बोर हो गया होगा अभी सभी जहाँ तक मुझे लगता है, पर मैं अलग अलग चैलेंजेस डालता रहता हूँ स्नाइपिंग के। तो मैं रात में खेल रहा था तो मेरे को टीम मिल गई एज ए ठीक ठाक टीम है, और क्या कहते हैं मतलब कि हमारे ऊपर ना मिलिट्री बेस जा रहे थे, हमने सोचा कैंप है तो मैं फायर कर रहा हूँ। तो मिलिट्री बेस में हम जब गए तो देखा कि भाई एकदम से एक स्क्वाड निकली बाहर और हमारे लोगों को नॉक कर दिया गया, और फिर तुम्हारे भाई ने कुछ ऐसा दमदार किया ना कि जो तुम सब करते हो, ऐसी बात नहीं है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और थोड़ा सा मैं कट करूँगा बीच में जिससे आपको देखने में आसानी हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर कोई मेरे YouTube चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी कर देना। तो अब आप देखिए आगे की वीडियो और पूरा मजा लीजिए।
are you running? Why are you running? तो गाइस यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने देखा कि एकदम से गेम साउंड में बंद हो गया और जो मेरा साउंड है वो भी एकदम से म्यूट चला गया और मैंने चेक किया म्यूट भी नहीं है मेरा साउंड। तो ये गाइस टेक्निकल फॉल्ट है और ये क्या कहते हैं जो ये हमारी टीम का टू नंबर है, टू नंबर कब से स्कोप मांग रहा था, स्कोप मांग रहा था भाई स्कोप दे दो स्कोप दे दो स्कोप दे दो। तो मेरे को दिख गया था थ्री नंबर के पास स्कोप है और मेरे को मिल गई थी AWM। मैंने जो जो भी मैंने बोला मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने थ्री नंबर भाई को बोला कि मैं भाई देख ले मेरे पास AWM है मेरे को 6-6 दे दे अगर तेरे पता है। वो कहता है कि भाई रेड डॉट वेड डॉट कुछ तो दे दे। मैं भाई हाँ रेड डॉट दे सकता हूँ, मैं बिल्कुल रेड डॉट मैंने इसको दे दिया, उसने मेरे को 6-6 दे दिया। तो भाई मैंने AWM में 6-6 लगा लिया। तो मैंने उसको बोला कि ये ले यार भाई 5 का एमओ बहुत पहले भी मांग रहा था, आपने देखा होगा वीडियो में। तो मैंने वीडियो को इसलिए फास्ट किया था ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अब ये AWM के जो शॉट्स हैं ये भी मैं यूज़ कर दूँगा। और अब आप देखिए आपके भाई की स्नाइपिंग कितनी ओपी है। और भाई एक बंदे को मैंने बोला था कि जाके ऊपर रश कर दे, आहिस्ता आहिस्ता जाना। तो एक बंदा हमारा जा रहा है ऊपर में और पहुँच चुका है हमारा फोन नंबर ऊपर, तो उसको आपका भाई कवर दे रहा है। तो थ्री नंबर को ही मैंने कहा कि भाई तू भी जा उसको आहिस्ता आहिस्ता कवर दे थोड़ा पीछे से। तो वहाँ पे पीछे शैग में ही कवर लेके बैठा हुआ है और भाई उन्होंने बचाने के लिए स्मोक की है। सो मैंने फायरिंग की तो उधर से मेरे को कॉल आई है फ़ोन नंबर की कि भाई उधर सब क्लियर हो चुका है, आप आना चाहते हो तो आ जाओ, सब क्लियर हो गए। मैंने जाने से पहले सब देखा, मैं सब ठीक है तो चलते हैं फिर यार, क्योंकि मैं ना ट्रस्ट नहीं ना कर सकता। सो देख लो वहाँ पे सामने में एक कार है। सो AWM का ये शॉट मेरा मिस हो जाता है और आपके भाई का ये स्प्रे भी मिस हो जाता है। और जो हमारे नंबर टू हैं उनका एम इतना अच्छा है कहने की बात नहीं, एक एक्सटेंडेड रील वेस्ट कर दी उन्होंने और फिर भी वो उनको नॉक नहीं कर पाए, क्या करें आप। तो आपके भाई ने कर दी है 5 किल, आज देखते हैं कि चिकन डिनर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। वैसे तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, चलो हम भी बने हुए हैं। मैं इसको बोल रहा था कि मैं भाई यार लास्ट के कुछ ही बंदे जिंदा रहते हैं, तीन तो हम ही, चार तो हम ही हैं 13 में से, और सामने में अपोनेंट्स हो सकते हैं हमारे और घरों में हो सकते हैं अपोनेंट्स। तो भाई ज़रा ध्यान से, सामने से लोकेशन भी आ रही है, फायरिंग भी हो रही है। तो कहता भाई ठीक है हम चार बंदे नहीं तीन बंदे जिंदा बचे, एक तो मर गया है। तो मैंने उसको बोला भाई तू मेरे को 5 का थोड़ा सा एमओ दे सकता है। कहता है यार क्या करेगा 5 का एमओ यार, तू मेरे को 7 का एमओ दे। मैं भाई 7 की गन में चलाता नहीं हूँ, तो मतलब कि मैं अभी चला नहीं रहा हूँ 7 की एमओ, तो 5 की एमओ दे देगा तो मैं यार बंदे मार सकूँगा। और मुझसे भाई साहब AWM मांग रहे थे, ओम दे दे ओम दे दे। मैं भाई 5 एमओ सारा है यार, क्या करोगे 5 एमओ का, 5 एमओ की ओम चला के क्या करोगे, चलाने दो। कहते ठीक है ठीक है कोई बात नहीं आप चलाओ हम आपको कवर देते हैं। और उसी बीच इन्होंने कहा कि भाई फ्रंट को सेटअप कर लेना आप हमारी, मैंने आपको भेज दी है। मैंने कहा ब्रो मेरी फ्रंट को तो फुल है बट मैं देखूंगा, अगर होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब आगे देखो अपने भाई का गेम प्ले। और सामने में यूं ही मेरे को बंदा दिख जाता है थोड़ी देर बाद, बस आप देखो दिखता है तो कहाँ दिखता है, अब खुद हैरान परेशान हो जाओगे। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, सब पूरा एरिया सर्च कर डाला मैंने, कसम से पूरा एरिया सर्च कर डाला मैं, हैं बंदे तो बंदे हैं कहाँ, ना शैग में मिल रहे हैं मेरे को, ना घरों में मिल रहे हैं, ना पेड़ों के पीछे मिल रहे हैं, कहाँ पे छुपे हुए हैं। तो उसी बीच अब भाई आप गाइस आपके भाई को बंदा मिल जाता है, हमारे टीममेट्स ने मार्क लगा दिया कि वहाँ पे एक एनिमी है ब्रो, वहाँ पे जाके उसको किल करो। उसको बहुत इजीली किल किया, जैसे कि आप देख ही सकते हो तो बंदा पूरा फिनिश होने के लिए उसने 3 AWM खाए ही खाए, फर्स्ट नॉक के लिए तो ऐसे, और ऊपर से उसके टीममेट की फायरिंग आ गई। तो आपका भाई भाई शांति से चला गया कि भाई अगर मैं मर गया तो भाई 2 नंबर का एम तो ओपी है, तो वो तो हमको जिता देंगे। तो बाकी
मेरे को फोर नंबर की गेम प्ले पता नहीं, मैंने देखा नहीं रैंडम है। और भाई ये अब भाई पता नहीं किसने किल चुराया, दो नंबर ने या चार नंबर ने, पता नहीं किस कैसे चुरा लिया MK14 से, बहुत गुस्सा आया था।